नमस्कार, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं आर स्टोरीज। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जिसे उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। ब्लैक टाइगर, शायद आप इस नाम से परिचित ना हो, लेकिन जैसे ही वीडियो को आगे देखते रहेंगे आप इससे अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे। आप इससे ब्लैक टाइगर क्यों कहा था? इंदिरा गांधी ने रविंद्र कौशिक नाम के इस शख्स को ब्लैक टाइगर का खिताब क्यों दिया था, इस बात को आप जान जाएंगे। रविंद्र कौशिक एक ऐसा नाम था जिसने भारतीय होकर भी पाकिस्तानी आर्मी में मेजर तक का ओहदा प्राप्त कर लिया था। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट होकर भी पाकिस्तान के मेजर तक का आर्मी सफर उनका कैसा रहा, यह सब कुछ ठीक चल रहा था। पाकिस्तान की आर्मी में वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और वहाँ की सूचनाएं दे रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि यह ब्लैक टाइगर पाकिस्तान में पकड़ा गया और पाकिस्तानी आर्मी की यातनाओं का शिकार हुआ। तो आइए जानते हैं भारत के इस शूरवीर रविंद्र कौशिक उर्फ ब्लैक टाइगर के बारे में। वो टाइगर जो भारत का शेर था, वो टाइगर जिसने अकेले अपने दम पर पूरे पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा था, वो टाइगर जो हिंदुस्तान की धरोहर है। तो पाकिस्तान के लिए खोप का दूसरा नाम, वो टाइगर जिसने पूरी अपनी जवानी देश के नाम कुर्बान कर दी, वो टाइगर जिसने जिंदगी का हर दिन मातृभूमि के लिए कुर्बान कर दिया। रविंद्र कौशिक उर्फ ब्लैक टाइगर की दास्तान जितने खतरों से भरी हुई है, उसकी जासूसी की दुनिया उतनी ही दिलचस्प है। भारत का वो वीर जवान हिंदू था और मुसलमान भी, लुटाई जवानी मातृभूमि पर, हंसकर दे गया जान भी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि या तो वो हिंदू होगा या मुसलमान, लेकिन इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इनके हिंदू से मुसलमान बनने की कहानी इस कहानी में एक नया मोड़ लेके आएगी। वो पाकिस्तान कैसे गए, वहाँ हिंदू से मुसलमान कैसे बने, ये सब मैं आपको आज की इस कहानी में बताऊंगा। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। उनका परिवार एक पंजाबी परिवार था। रविंद्र कौशिक बचपन से थिएटर करने के शौकीन थे, लेकिन उनके मन में ये बात कभी नहीं आई होगी कि उन्हें असल जिंदगी में भी एक किरदार निभाना पड़ेगा, जिसके चलते उन्हें मातृभूमि पर जान कुर्बान करने का मौका मिलेगा। रविंद्र कौशिक एक बेहतरीन अभिनेता थे और कहा जाता है कि उनकी शक्ल जो है उस समय के सुपरस्टार विनोद खन्ना से मिलती थी। उनकी यह अदाकारी उनको भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के करीब लेकर गई। रविंद्र कौशिक जब पढ़ाई करते थे तो वह अक्सर ड्रामे में भाग लिया करते थे, जिसमें उनकी एक आदत थी कि वह राष्ट्रीय भक्ति से जुड़े जो रोल हैं वह बखूबी निभाते थे। यही कारण है कि उनको नोटिस करने लगी रॉ एजेंसी हमारे यहाँ की। एक बार ड्रामा का में भाग लेने के लिए वह लखनऊ गए थे किसी प्रोग्राम में, तो कहा जाता है कि वहाँ पर उन्होंने एक सेना के अधिकारी का रोल किया था। अब किस्मत से उस समय वहाँ पर रो के एक अधिकारी भी मौजूद थे जो उस ड्रामे को देख रहे थे, और रविंद्र कौशिक ने जब वो किरदार निभाया तो उस किरदार में भारत के उस अधिकारी को, सैन्य अधिकारी को, चीनी सैनिक पकड़कर ले जाते हैं और उन्हें काफ़ी यातनाएं देते हैं। उनसे जानकारी हासिल करने के लिए उनका नाखून उखाड़े जाते हैं या इस तरह से उनको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। रविंद्र कौशिक ने इस किरदार को इस कदर निभाया था कि लगा किरदार जीवंत हो गया हो। बस फिर क्या था, रविंद्र कौशिक की ज़िंदगी यहीं से बदल गई। ड्रामे को देखने आए रॉ के लोगों ने उन्हें दिल्ली आने का न्योता दिया और उन्हें रॉ में भर्ती होने का ऑफर दिया। रॉ का नाम रविंद्र कौशिक के लिए पहली बार सुना हुआ था। वह ये नहीं जानते थे कि रॉ क्या होता है, लेकिन उन लोगों को देखकर यह समझ में आ गया था कि यह कार्य देशभक्ति से जुड़ा हुआ था। जैसे ही देशभक्ति की कोई बात आती थी तो वह तुरंत हामी भर देते थे।
इस बार भी यही हुआ, जैसे ही उन्होंने उन्हें यह ऑफर दिया गया उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। कौशिक के अंदर देशभक्ति का जज्बा था, इसी का नतीजा था कि सिर्फ 23 साल की उम्र में वह रॉ के एजेंट बन गए थे। रविंद्र को अंडरकवर एजेंट बनाकर पाकिस्तान भेजा जाना था, जिसके लिए उन्हें दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान उर्दू पढ़ना बोलना सीखा, मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथों को पाकिस्तान के स्थानों से अपने आप को रूबरू करवाया। जब उन्हें साल 1975 में पाकिस्तान भेजा गया तो उनके भारत में मौजूद सभी जानकारियां नष्ट कर दी गई, और उनका पाकिस्तान में भेजने के बाद रविंद्र कौशिक की जगह उन्हें नबी अहमद शकीर नाम दिया गया, यानी अब उनका नाम नबी अहमद शकीर था। पाकिस्तान पहुंचते ही रविंद्र कौशिक के मन में एक ख्याल जरूर आया होगा कि जब मौत आनी ही है तो डरना क्यों, जब मौत आनी ही है तो डरना क्यों, इसे खेल ही समझूं, मरना क्यों। पाकिस्तान पहुंचते ही नबी अहमद शकीर बने रविंद्र कौशिक ने कराची विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई शुरू कर दी, ताकि आर्मी में भर्ती होने के बाद उनसे किसी तरह के सवालात न किए जाए। किस्मत और उनकी मेहनत जल्द ही रंग लाई और कुछ ही सालों में उन्हें सेना में भर्ती होने का मौका मिला, जहां अपने काम की बदौलत वह जल्द ही सेना के एक उच्च अधिकारी के पद पर तैनात हो चुके थे, यानी कि वह मेजर बन चुके थे। इस दौरान उन पर कोई शक ना करे, उन पर किसी तरह का शक ना जाए, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की एक लड़की अमानत से विवाह कर लिया, जिससे वो एक बच्चे के पिता भी बन गए। रविंद्र कौशिक के पाकिस्तान आर्मी में होने का बहुत फायदा मिला। साल 1979 से साल 1983 के बीच उन्होंने भारतीय फौज को पाकिस्तान की कई खुफिया जानकारियाँ दी, जिससे भारत ने पाकिस्तान को उसकी करतूतों में कामयाब होने से रोक दिया। कहा जाता है कि रविंद्र कौशिक के इसी कार्य को देखते हुए प्रधानमंत्री, उस समय की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था। रविंद्र कौशिक का काम बेहतरीन तरीके से चल रहा था, वह अपना काम बखूबी निभा रहे थे, तभी उनकी सहायता के लिए भारत से एक और जासूस भेजा गया, जिसका नाम था इनायत मसीहा। बदकिस्मती यह रही कि इनायत पाकिस्तान की बॉर्डर में जैसे ही घुसा वह पकड़ा गया और उसकी जबान पर रविंद्र कौशिक का नाम आ गया। लेकिन एक बात तो है, जब इनायत मसीहा के जुबान पर रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शकीर का नाम आया तो पाकिस्तान के अधिकारी हक्का बक्का रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पाकिस्तानी आर्मी में जो मेजर के पद तक है वह हिंदुस्तान का एक रॉ का खुफिया एजेंट है, यानी कि हिंदुस्तान का जासूस है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि गलतियां तो उनकी फौज से भी हुई थी। एक भारत से आकर कोई शख्स उनकी आर्मी में भर्ती हो गया और काम करते करते आर्मी के एक प्रतिष्ठित पद कहें, यानी कि मेजर तक पहुंच गया था। इनायत मसीहा जब पकड़ा गया तो पाकिस्तानी आर्मी ने इस बात की खबर रविंद्र कौशिक को नहीं लगने दी और इनायत मसीहा से कहा कि जो काम तुम यहां करने आए हो, यानी कि जो जानकारियां आप रविंद्र कौशिक से लेने आए हैं, आप उसी जगह पर उनसे मिलेंगे, लेकिन इस बात की खबर रविंद्र कौशिक को नहीं होना चाहिए। जैसा भी इनायत मसीहा से कहा गया, वहाँ का एक जिन्ना पार्क है, जिन्ना पार्क में वहाँ इनायत मसीहा रविंद्र कौशिक से मिलने गया। रविंद्र कौशिक भी वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन जैसे ही रविंद्र कौशिक से वो डॉक्यूमेंट रविंद्र कौशिक ने इनायत मसीहा को दिए तो उसी समय पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 1983 से लेकर 1985 तक रविंद्र कौशिक को कई कड़ी यातनाएं दी गई, उसके बाद उन्हें वहां की कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। रविंद्र कौशिक को सजा होने के बाद उन्होंने करीब 16 साल पाकिस्तान की कई जेलों में बिताए,
जिसमें मियांवाली और सियालकोट जेल शामिल है। इसी दौरान पाकिस्तानी जेलों की खराब व्यवस्थाओं के कारण उन्हें टीवी और अस्थमा जैसी बीमारियों ने घेर लिया, जिसके चलते 2001 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें जेल के पीछे ही दफना दिया गया। ये तो रविंद्र कौशिक की पाकिस्तान की कहानी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि रविंद्र कौशिक जब यहाँ से रो में भर्ती हुए थे तो उस समय उन्होंने अपने घर वालों को बताया था कि वह दुबई में नौकरी करने जा रहे हैं, यानी उनकी दुबई में नौकरी लग गई। घर वाले खुश भी हुए और उन्हें सिर्फ इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो पाकिस्तान जैसे देश में जा रहा है, उन्होंने सोचा कि दुबई नौकरी करने जा रहे हैं, बैंक में नौकरी करने जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जैसा कि हर परिवार चाहता है कि अपने बेटे की तरक्की देखे, उनके पिता ने माता ने भी यही सपने देखे थे और उन्हें इजाज़त दे दी थी। लेकिन इस बात की उन्हें तनिक भी खबर नहीं हुई, यानी कि जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, उनकी शादी हो गई, उनके घर में बच्चा हो गया, तब तक उनके परिवार वालों को ये पता नहीं था। हालांकि वहाँ से चिट्ठियाँ आती थी जो उनके हालचाल बताती थी। जब रविंद्र कौशिक पाकिस्तान गए थे तो उस बीच एक बताया जाता है कि एक बार घर भी आए थे, उनके छोटे भाई राकेश की शादी थी। राकेश की शादी में उन्होंने रॉ से परमिशन ली, वह घर आना चाहते थे, घर आए, लेकिन घर भी वह पहले पाकिस्तान से दुबई गए, दुबई के बाद वह अपने यहाँ पर आए। जब वह भाई की शादी में आए, भाई की शादी ख़त्म होने के बाद उनके मम्मी पापा या भाई सब लोगों ने जब उनसे पूछा कि आप भी शादी कर लिए, तो हालांकि वो बता चुके थे कि मैंने दुबई में ही एक लड़की से शादी कर ली है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम वो ले नहीं सकते थे। उन्होंने बताया कि मैंने दुबई में एक नाम की लड़की से शादी कर ली है और मेरा एक बच्चा भी हो गया है। इसके बाद वो वापस पाकिस्तान चले गए वाया दुबई, जैसे आए थे उसी तरह से। लेकिन जब इनायत मसीहा पकड़ा गया और वो उसके साथ रविंद्र कौशिक भी गिरफ्तार हुए, तो उस समय उन्होंने अपने परिवार को चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि मैं रो का एजेंट बनकर इतने दिनों से पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आया था और मैंने रॉ से बोला था कि ये अब मैं कुछ ही दिन काम करूँगा, इसके बाद मैं वापस भारत चला जाऊँगा, लेकिन इससे पहले पकड़ा गया हूँ, मैं पाकिस्तान की जेल में था। रविंद्र कौशिक के घर में उर्दू कोई नहीं जानता था, उनके पिताजी जानते थे। जैसे ही उनके पिताजी के हाथ ये चिट्ठी पहुँची तो सबसे पहले उनके पिताजी के हाथ में गई और पिताजी ने जब चिट्ठी पढ़ी तो पढ़ते ही उनको सदमा लगा और वो उसी समय, कहा जाता है कि उसी समय खत्म हो गए। परिवार के अन्य सदस्यों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, उनको कुछ और लगा कि कोई और वजह होगी, उनकी मृत्यु का कारण कुछ और रहा होगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, यानी 2-4 दिनों बाद बताया जाता है कि वह चिट्ठी कहीं कोने में पड़ी हुई उनके परिवार को मिली। जब उनके परिवार को मिली तो उनके परिवार में कोई और तो उर्दू जानता नहीं था, आसपास उर्दू जानने वालों से पूछा कि भाई ये चिट्ठी कहाँ से आई है और क्या है, ये पापा के पास से मिली है। तो जो उर्दू जानते थे उनने ये सारी उनको घटना बताई कि रविंद्र कौशिक पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जेल में है, यह सब बताया। और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि आप भारत सरकार के पास जाएँ, मेरे बारे में बताएँ भारत सरकार को, तो भारत सरकार आपकी ज़रूर मदद करेगी। लेकिन एक हमारे देश के या किसी भी देश के जासूस के बारे में कहा जाता है कि वो पकड़ा जाए तो उसकी बदकिस्मती यह होती है कि उसका खुद का देश उसे पहचानने से इनकार कर देता है। लेकिन ये बात जानते हैं रो के एजेंट जो भारतीय होते हैं, रो में भर्ती होते हैं, जो रो में काम करने जाते हैं, ये बात वो अच्छे से जानते हैं कि जब हम पकड़े जाएंगे तो हमारा देश, हमारे अपने लोग ही हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन किसी में देशभक्ति का जो जज्बा होता है ना, उसके आगे ये चीज़ें कम पड़ जाती हैं, ये चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती है। और देशभक्ति के करने के लिए हमारे यहाँ के कई ऐसे जवान हैं जो अपनी जान तक न्यौछार कर देते हैं, वो जानबूझकर मौत के कुएं में कूद जाते हैं, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लेकर चलते हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आगे भी हम आपको ऐसी ही जानकारियां बताते रहेंगे, कुछ ऐसी जानकारियां बताएंगे जिनके बारे में आपने सुना होगा लेकिन आप उसकी सच्चाई से शायद रूबरू ना हों।
तो हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।